अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के मैच में हुई पाकिस्तान के दो प्लेयर्स के दरमियान गर्मा गर्मी। बाबर आजम और इमामुल हक बहुत अच्छा खेलते हुए इनिंग को बिल्ड कर रहे थे कि अचानक 28वें ओवर में अकील हुसैन की बॉल पर इमामुल हक मिडोन की जानिब सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन फील्डर ने बहुत अच्छी फील्डिंग की और डाइव लगाकर बॉल को रोका, लेकिन बाबर आजम बॉल की तरफ देख रहे थे ना कि अपने पार्टनर की तरफ। इमामुल हक भागते रहे लेकिन बाबर आजम अपनी जगह से ना हिले और इमामुल हक को मना करते रहे, जिसके नतीजे में इमामुल हक रन आउट हो गए और अपने ऊपर शदीद गुस्सा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि बाबर आजम इमामुल हक को बोल रहे हैं कि बॉल फील्डर के हाथ में है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस राउंड आउट में किस प्लेयर की गलती थी? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।